अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना ये सर से बोझ नहीं, सर ही उतार देते हैं, सर ही बिगाड़ देते हैं। बीजेपी पार्टियों को थोड़ा बहुत लेमन जूस लॉलीपॉप दिखा करके और हिंदू में और पिछड़ों में दलितों में आदिवासियों में उनका वोटिंग लगा करके उनको मिनिस्टर का पद दे करके टिकट कुछ दे करके उस लालच में मत पड़ना। ये गर्दन उतारने वाले लोग हैं, मारे जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, तो आप चुप के उन्हें जनाब आप बोलिए तो हम कहते हैं तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्या होगा, हमारे लोगों को बुलडोजर क्यों चल रहा है, हमारे लोगों को बम लिंचिंग क्यों अभी भी जारी है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्या होगा, हमें राजनों से तो पीना है। हमारे उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, यूपीए 2 की सरकार थी, एक आदमी ने भी उसका समर्थन हाथ उठा करके भी समर्थन नहीं किया। जब 2010 में जब शरद यादव उसमें हयात से थे, लोकसभा के मेंबर थे, उन्होंने मिल करके शरद मुलायम सिंह की जो हयात से थे उस समय उन्होंने मिल करके और लालू प्रसाद यादव जी इन लोगों ने मिल करके उठाया, तो पूरे पार्लियामेंट में कंसेंसस बना और तब सिद्धांत रूप में माना गया। लेकिन 11 में जनगणना में भी अड़ंगा लगा दिया गया, राष्ट्रपति मरहूम हो या कौन कौन लोग हो, उन लोगों ने क्या अड़ंगाबाजी की ये देखा, उसका आंकड़ा नहीं मिला, जो भी आंकड़ा था वो नहीं मिला। तो इस बात जाती जनगणना की बात सबसे पहले हम लोगों को करनी चाहिए। जब बिहार में जाती जनगणना के सवाल उठा तो यही सूरत मंडल जी है, यही रतनलाल जी है, अपने एक पत्रिका एक मैगजीन पूरे देश में बंटवाया, क्या लिखा इसमें, इसमें हमने लिखा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार। दूसरा नारा हमने दिया दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, ये नारा दिया और देश भर में तो जाति जनगणना तो हुई बिहार से, बिहार में जब पिछले साल जाति जनगणना उससे पहले ये पत्रिका निकाल करके और देश भर में बांट करके अलग से काट करके बिहार में कराया, उसका परिणाम सामने आया, बढ़िया परिणाम आया। अब उसको 9 शेड्यूल में जोड़ करके उस परिणाम को बचाने की जरूरत है। तो भाइयों हम दो बात कहना चाहते हैं, हमको मुसलमान अल्पसंख्यक कहा जाता है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि हिंदू में जितनी जातियां हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे सबर्ण हो, अगर मोदी जी पसमांदा ना कह करके रट रट कर हैदराबाद से भोपाल में कहा, दिल्ली में कहा और बहुत रट लगा रहे थे, लेकिन अंत में आकर हिंदू और मुसलमान की बात करने लगे। तो हम अपने को अकलियत नहीं कहते, अल्पसंख्यक नहीं कहते, हम अपने को बहुजन कहते हैं, पसमांदा का मतलब ही बहुजन होता है। अगर बाबा साहब की जबान में पसमांदा को समझिए तो वो बहुजन हुआ, अगर कार्ल मार्क्स और लेनिन की जबान में कहिए तो वो सर्वहारा हुआ, अगर गांधी बाबा के जबान में कहिए तो वो समाज का अंतिम आदमी हुआ, वही है पसमांदा। तो इस भेद को इसीलिए हमने कहा कि जाति जनगणना एक ऐसी चीज है कि इस वो बैलून में जो उड़ाया गया है इसमें छेद कर देगा, तो इसको टारगेट करके हम लोगों को ये करना चाहिए। और देखिए मुसलमान और पसमान जो मॉब लिंचिंग होती है, जो बुलडोजर चलता है, वो खुशहाल अगले मुसलमानों पर नहीं चलता है, ये चलता है तो 1% ज्यादातर पसमानदा मुसलमान ही उसके शिकार होते हैं। लेकिन हमको खुशी की बात दुख है हमको
कि इस देश के निजाम ने भी जबकि एक अपोजिशन बहुत मजबूत फोर्स बन के उभरा है और उसमें इस समाजी आंदोलन के लोगों की बहुत भूमिका है। हम लोगों ने सारे आईपी बीजेपी पार्टियों को जिस रोज जितना हो सकता था मदद किया, लेकिन हमारे लोग अभी भी मॉब लिंचिंग हो रही है, हमारे लोगों को मॉब बुलडोजर चल रहा है, कोई आवाज नहीं है। तो दो शेर पर करके एक अपोजिशन के लिए और एक रूलिंग पार्टी के लिए ये 5 किलो अनाज दे देंगे। तो हमने अपने लोगों से कहा कि देखो 5 किलो अनाज पर भागना मत, और खुशी की बात है कि हमारे लोग नहीं भागे हैं। अगर भागे हैं तो ये सर्वे आया है सीएसपीएफ के, वो आगे बढ़े हुए एलिट मुसलमान गए हैं, उधर कुछ गए हैं। तो हम अपने लोगों से हमने कहा अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं, सर ही उतार देते हैं, सर ही उतार देते हैं। ये थोड़ा बहुत प्रेमचूस लॉलीपॉप दिखा करके और हिंदू में और पिछड़ों में दलितों में आदिवासियों में उनका वोटिंग लगा करके उनको मिनिस्टर का पद दे करके टिकट कुछ दे करके उस लालच में मत पड़ना। ये गर्दन उतारने वाले लोग हैं, थोड़ा सा लालच में मत उतार पड़ना। अपोजिशन पार्टियों से भी हम कहना चाहते हैं कि आपको अगर मजबूती मिली है तो ये अभी अभी इस साल का जो लोकसभा चुनाव का नतीजा है वो जनता लड़ी है। अपोजिशन ठीक है कि हम लोगों ने अपोजिशन पार्टियों को जिताया है इंडिया गठबंधन को, लेकिन जनता लड़ी है और इन पार्टियों से और इन संगठनों से आगे बढ़कर के जनता बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ी है और तब इतनी कामयाबी मिली है। तो हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि जब हम लोग मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, तो आप चुप क्यों हैं जनाब? आप बोलिए तो हम कहते हैं तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्या टूटा, हमारे लोगों को बुलडोजर क्यों चल रहा है, हमारे लोगों को मॉब लिंचिंग क्यों अभी भी जारी है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्या टूटा। हमें राजनों से तो गिला है, थोड़ा सा संशोधन किया है, नहीं गिला है शेर में, तो हमने उसमें संशोधन किया। हमें रहजनों से तो मिला है मगर तुम्हारी रहबरी का सवाल है, हमने तो तुमको वोट दिया है, तुम्हारा समर्थन किया है, हमारे हमारी तुम आगे बढ़ो लड़ो और जनता पीछे है, हम लोग सामाजिक आंदोलन के लोग पीछे है। तो जय 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 संविधान।